हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लिस्ट डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कम्युनिटी टैब पर कि हम लिस्ट डेटा टाइप की आज बात करने वाले हैं, तो आज की ये वीडियो लिस्ट डेटा टाइप को लेकर के है। कुछ फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं जिनको हमने पहले भी पढ़ा है, तो चलिए उसके भी बारे में थोड़ा देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे फंडामेंटल डेटा टाइप्स। तो फंडामेंटल डेटा टाइप्स क्या है? देखिए, अगर कोई वैल्यू प्लस में होगी या तो माइनस में होगी। देखिए यहाँ पे प्लस में वैल्यू है, आप इसको माइनस में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैं अगर माइनस 80 लिख देता हूँ या कुछ और भी लिख सकते हैं आप, तो वो इंट डेटा टाइप का सिंबल है, यानी कि इससे ये पता चलता है कि ये इंट डेटा टाइप है, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा कि ये इंट डेटा टाइप ही है? इसके लिए हम टाइप का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, चलिए आइए एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां से चलेंगे और यहां से न्यू फाइल ले लेता हूं मैं, और यहां पर हम टाइप करके देखेंगे इसको। तो अगर मान लीजिए कि कोई वैल्यू मैं टाइप करता हूं, जैसे मैं यहां लिखता हूं a इज इक्वल टू 70, ठीक है। तो इसको जैसे ही हम रन करवाएंगे तो हम देख पाएंगे यहां पे क्लास इंट आ रहा है, यानी कि हमारा जो डेटा टाइप है वो इंट टाइप का है, ठीक है। तो इससे पता चलेगा कि ये हमने किस तरह का डेटा टाइप लिया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर b की बात करें तो 2.5, यानी कि ये फ्लोट डेटा टाइप है। अगर आप इसको भी पता करना चाहते हैं तो आप अपना जो भी पाइथन की आईडी है उसे ओपन कर लें और यहां पर जो भी वैल्यू देनी है, a इज इक्वल टू मैं 4.5 ही दे देता हूं, और फिर एंटर प्रेस करता हूं, यहां पे प्रिंट लिखता हूं और टाइप, हमें टाइप पता करना है, डेटा टाइप पता करना है, इस वजह से यहां, ठीक है। और इसको क्लोज किया हमने और यहां से इसको अब सेव करते हैं। तो ये हमने कर लिया सेव, और यहां पर किसी भी नाम से इसे सेव कर लेते हैं। यहां से अब इसको रन करवाते हैं, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप आ रहा है। तो यानी कि ये हमें बता रहा है कि ये फ्लोट डेटा टाइप है, ठीक है। इसी तरह से और भी डेटा टाइप्स के बारे में हम जान सकते हैं, ये बहुत ही आसान सा तरीका है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे। तो हम यहाँ पे बुलियन की बात कर रहे थे, ट्रू फॉल्स में ऐसे ही बुलियन आएगा। फिर ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, ये देख सकते हैं। और स्ट्रिंग यानी कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिंग होता है, तो इसमें कई सारे कैरेक्टर हैं, एस है, यू है, आर है, ए जे है, तो इसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो इन सारे के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आगे बात कर लेते हैं। कलेक्शन रिलेटेड डेटा टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें हमें पहला जो डेटा टाइप है जो कि लिस्ट डेटा टाइप है, इसी को पढ़ना है आज। तो एक लिस्ट डेटा टाइप होता है। अच्छा, लिस्ट डेटा टाइप की पहचान कैसे होगी कि ये लिस्ट डेटा टाइप ही है? तो लिस्ट डेटा टाइप में स्क्वायर ब्रैकेट बने होते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट यानी ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट डेटा टाइप का हमने एग्जाम्पल दिया है और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये सारी वैल्यूज लिखी गई है। आप देख सकते हैं इसको, 10 है, कॉमा 2 है, कॉमा 45 है, कॉमा 60 है। कलेक्शन रिलेटेड डेटा टाइप्स में पहला जो डेटा टाइप हम पढ़ रहे हैं वो लिस्ट डेटा टाइप पढ़ रहे हैं, और इसमें डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं। ये डुप्लीकेट्स कैसे अलाउड होंगे ये भी आपको बताता हूं। इससे भी पहले ये जान लीजिए कि टपल क्या होता है। ये टपल डेटा टाइप है, ये देखिए इसकी पहचान है कि ये स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये सेट डेटा टाइप है, तो सेट डेटा टाइप जो है कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाएगा। यहाँ पर इसको कर्ली ब्रेसेस कर लेता हूं मैं, ये कर्ली ब्रेसेस में रहेगा, ठीक है। डिक्ट भी कर्ली ब्रेसेस में रहेगा, ठीक है, देख सकते हैं ये सारी चीजें। लेकिन आज का हमारा कॉन्सेप्ट लिस्ट का है, ठीक है। तो लिस्ट अगर डेटा टाइप हमें पता करना है तो यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू 10 कॉमा सूरज कॉमा यहाँ पे 10 करता हूं और यहाँ पे 40 है, ठीक है। 10 टू टाइम्स आया हुआ है, ये देख सकते हैं 10 इसमें टू टाइम्स आया हुआ है। तो अगर इसका डेटा टाइप हमें पता करना है, क्या ये बात हमने जो लिखी है कि डुप्लीकेट्स आर अलाउड, तो डुप्लीकेट्स कैसे अलाउड होंगे, ठीक है। तो एक ऑर्डर में आप डुप्लीकेट देंगे तभी वो सेम ऑर्डर में प्रिंट होकर इसे देगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये देखते हैं एक बार, इसका प्रोग्राम हम लिखते हैं। तो एक वेरिएबल बना लेता हूं, a इज इक्वल टू यहां पर चूंकि लिस्ट की पहचान होती है स्क्वायर ब्रैकेट, तो स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिख रहा हूं और यहां पर कर दिया हमने मान लीजिए 10, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी नेम दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं कर देता हूँ इंडिया, INDIA इंडिया ही कर देते हैं, और इसको क्लोज करता हूँ, कॉमा देता हूँ, ठीक है। कॉमा देने के बाद फिर मैं यहाँ करता हूँ 20, फिर मैं यहाँ करता हूँ 10, फिर यहाँ करता हूँ 50, ठीक है। तो अभी यहाँ पे डुप्लीकेट्स नंबर हमने एंटर किए हैं, तो हमें चेक करना है कि क्या ये सही है, क्या इसका आउटपुट क्या आता है। देख लेते हैं एक बार कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही भी है या नहीं, ठीक है। प्रिंटफ नहीं लिखेंगे, प्रिंटफ तो सी लैंग्वेज में लिखते हैं हम, यहाँ सिर्फ प्रिंट। और यहाँ पे टाइप की मदद से हम ये पता करेंगे कि डेटा टाइप क्या है इसका, ठीक है। तो ए लिया था हमने, तो ए यहाँ लिखा हमने,
और यहां पर इस तरीके से हमने लिख दिया। और अब इसको हमें प्रिंट करवाना है, तो ये देखिए इसका पहले डेटा टाइप जान लेते हैं यहां से, इसको सेव करता हूं मैं और यहां से अब इसको रन करवाता हूं। तो ये देख सकते हैं यहां पे क्या आ रहा है, लिस्ट डेटा टाइप आ रहा है, यानी कि हमने बिल्कुल सही बताया आपको कि देखिए आप इसको प्रिंट भी एक बार करवा लेते हैं। तो यहां प्रिंट लिखता हूं मैं और ये मैं रखी है वैल्यू, तो ये ए को प्रिंट करवा देता हूं। देखिए किस ऑर्डर में ये प्रिंट होकर आएगा, सेम ऑर्डर में प्रिंट होगा, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं 10 कॉमा इंडिया कॉमा 20 कॉमा 10, जैसा मैंने लिखा था यहां पर देख सकते हैं आप। ये देखिए पहले 10 है तो 10 आया हुआ है, फिर इंडिया है तो इंडिया आया हुआ है, फिर 20 है तो 20 आया हुआ है, और फिर 10 है तो 10 आया हुआ है। तो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से एक्सप्लेनेशन से काफी कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आती हो तो इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।